कचरा। गड्ढों में सड़क। बेसहारा पशु। नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब एक तरह से बारिश का सीजन समाप्त सा हो गया, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली तो वो है शहर की सफाई व्यवस्था और सड़कों की। शहर में जब आमजन के बीच जनता दरबार न्यूज़ की टीम पहुंची, तो जनता की प्रशासन और सरकार के प्रति नाराजगी साफ साफ देखने को मिली। जनता की बातों का विश्वास ना करते हुए हमने भी धरातल पर सड़कों और सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया, लेकिन जब हालात देखे तो लगा जनता झूठ नहीं बोल रही। हमने देखा कि सड़कें गायब थी, मतलब सड़कें तो थी लेकिन गड्ढों के बीच, या यूं कहें कि हमने गड्ढों के बीच सड़क को ढूंढ ही लिया। सरकार ने भी सड़कों के हालात ठीक करने के आदेश तो दे दिए, लेकिन ये धरातल पर कब उतरेगा इसका जवाब शायद विकास का दावा करने वाली सरकार तो नहीं दे रही, लेकिन आमजन ने खुलकर अपनी बातें रखी। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहती है राजधानी जयपुर में गर्व से रहने वाली जनता की आवाज। देखा गया कि दिवाली सामने आ रही है और फिर भी रोडों पे कचरा है, लाइट्स बंद हैं, तो इसके बारे में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये नगर निगम और इनकी जिम्मेदारी होती है, उनको पूरा करना चाहिए। और जगह जगह पे कचरा फैला रखा है तो उठाने में भी देरी करते हैं, जबकि इनको जल्दी जल्दी उठाना चाहिए हर चीज़। सफाई व्यवस्था पे इतना अच्छा नहीं है ना, जो पीछे पीछे भागना पड़ता है और सामने भी कचरा पड़ा रहता है। जहाँ उनको उठाना होता है वहाँ उठाते हैं, आप देखिए पूरा कचरा पड़ा हुआ है सामने, क्या कर सकते हैं, कोई सुनता ही नहीं है ना। जानकारी जहाँ होती है वो उन लोगों का कर जाते तो इसका हैं। दिवाली सामने आ रही है तो सफाई व्यवस्था पर सफाई ढंग से नहीं हो रही, यहाँ पे आती नहीं है कोई, काफी दिन से आती है, कभी जब जो रोड पे थोड़ा सा इधर कर जाती है इधर कर जाती है। ये कचरा जो है इस तरह शायद 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी आज तक नहीं उठा है, रोज गिर जाता है उठ जाता है गाड़ी, क्योंकि आती नहीं तो लोग यहाँ डाल जाते हैं कचरे को और फिर ये कभी उठता नहीं है। इस रोड पे सिर्फ आपको गड्ढे दिखेंगे, पीछे आपको पानी भरा हुआ दिखेगा। ये इस तरह की हालत पिछले 10-12 साल से ऐसी है, आज इस गली को छोड़ दिया कल उस गली को छोड़ दिया तो कचरा तो वो का वही डेवलप हो जाता है 2-3 दिन में अगर वो आई एक बार को। और फिर पब्लिक अगर किसी प्राइवेट स्वीपर से कराती है तो वो भी क्या करती है कि कचरे को उठाती है, थैली में भरती है, जो भी आसपास खाली जगह मिलती है वहाँ डंप करके चली जाती है, तो कचरा तो एज इट इज़ बना रहता है, उससे मच्छर और डेवलप हो जाता है। पिछले साल भर से पिछली दिवाली पर लाइट जलती थी, अब उसके बाद आज तक लाइट नहीं जली। 50 बार पार्षद को लिखवा दिया, जो कि पार्षद का मकान सामने है, पार्षद का मकान भी सामने है, फिर भी एक गली का कभी आज तक उद्धार नहीं हुआ ढंग से। कभी क्या समस्या है, कभी बारिश आती है तो पानी भर जाता है, कभी क्या समस्या है, कभी क्या समस्या है, कभी आज तक इस पार्क के आसपास जो कचरा है कचरा कचरा ही कचरा नजर आएगा पूरा। दिवाली की छोड़ो, आप कभी भी सफाई नहीं हुई, मतलब आज दिवाली की आए तो ये तो चलो ठीक है, अभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करके फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। कचरे वाला नहीं आता है, बहुत कम आता है, और देर से आता है, दिन को सोने का टाइम होता है उस टाइम आता है, या सुबह 6 बजे सोए होते हैं या सुबह सुबह आ जाता है। कचरे वाला तो आता नहीं है, अभी तक नहीं आया है कचरे वाला। ज़्यादा बरसात आती है और बरसात की भी समस्या है, मतलब पानी की भी समस्या है, पानी नहीं आता है हमारे घरों में, नल से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कभी आता है 2-4 घरों में आता है तो 2-4 घरों में नहीं आता है, ये भी समस्या है हमारे। हमारे यहाँ पे सफाई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी की भी बहुत समस्या है, बहुत दिनों से पानी की समस्या है, पीने का पानी भी हम लोगों के यहाँ पे आता ही नहीं है, ये मान लो कि हमें बाहर से बाल्टियाँ ले लेके भरना पड़ता है पीने के पानी के लिए भी।
रोड भी आप यहाँ के देखते हो तो पूरे टूटे फूटे रोड है, उसके अलावा सफाई हर जगह पे कचरा है, तो आप देख ही रहे हैं खुद ही, सफाई तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। पानी और सफाई दोनों की समस्या है यहाँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, पीने का पानी तो आता ही नहीं है और बारिश का पानी तो इतना आ जाता है कि लोग भले बह जाए। देखा जा रहा है कि दिवाली नजदीक आ रही है, जिस हिसाब से हमने देखा है कि रोड टूटी पड़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए उल्टा खराब कर दिया, हम तो कहते हैं यहाँ तक रोड बना के, ये 28 साल पहले बनी हुई है, बेटर थी, अब उन्होंने बनाया तो इसको सारा खराब कर दिया, पानी भरता है उल्टा यहाँ, या तो पूरा बनाते वहाँ तक, ये बनी नहीं है एक भी बार, जब से स्टार्टिंग में बनी है उसके बाद बनी नहीं है। ये इधर भी टूटी हुई पड़ी है, बस ये सीधी सीधी ये तो लगा गई और चार मेरी इधर इधर सारी टूटी हुई पड़ी है। तो इसको जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं इस चीज़ का? अब हम तो क्या जानते हैं, किसको बताए, नहीं तो पार्षद महापौर अधिकारी क्या? तो वो उसको ही है, पहली बात तो अधिकारी का ही अधिकार होता है ऐसे सुनने का। जिस तरह की अभी सरकार पिछली थी और इस बार भी, अभी तक तो कुछ काम होता और दिख नहीं रहा है। ये सड़क जो है आखिरी बार शायद 15 साल से पहले बनी थी, और उसके बाद से लगातार आप गड्ढे देख सकते हैं, ये सड़क नहीं दिख रही है, सिर्फ मिट्टी दिख रही है अभी यहाँ पर। और तो लाइट तो कभी आती है कभी नहीं आती, कभी जलती है कभी नहीं। तो आप पार्षद को मानते हैं, अधिकारियों को मानते हैं या महापौर को मानते हैं जो नगर निगम की है? देखो नगर निगम पार्षद सभी शामिल होते हैं इस चीज़ में, कोई एक का वो नहीं है ठेका, सब मिलके है ना, लोग जब सब अवेयर होंगे तभी है ना सब कुछ सफाई रहेगी और सब कुछ होएगा। अधिकारी और पार्षद सभी हैं इसमें, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सफाई व्यवस्था करें। सरकार को, सरकार ना पिछली वाली ने काम किया ना अभी तक वो जो है वो काम कर रही है। पब्लिक की भी थोड़ी बहुत रहती कि थोड़ा बहुत अपना कचरा इधर उधर क्यों डाल रहे हो भाई, दो दिन और संभाल के रख लो या तो। पार्षद ने बहुत परेशान कर रखे हैं, ना कोई काम नहीं कराता, परेशानी आ रही है, जो कचरा देखो बहुत पड़ा, देखो उधर आप उधर देखो बुरा बुरा देख रहे हो ना, कोई काम नहीं कराता, बैठ गया बस। पार्षद को मानते हम तो, पार्षद कभी ध्यान नहीं देता है, बस यही है उसका। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, क्या सरकार अधिकारी? सभी हैं, सभी हैं, एक को नहीं ठहरा सकते, ऊपर से लेके नीचे तक सभी का इसमें सहयोग है।